अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अमरावती एनक्लेव कॉलोनी पिंजौर में जिला स्तरीय प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजन। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि पहुँचे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से अमरावती एनक्लेव कॉलोनी पिंजौर में जिला स्तर की प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जबकि मीटिंग की अध्यक्षता सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने की। यहाँ पर विशेष अतिथि नगर निगम पंचकुला के मेयर एवं भाजपा वरिष्ठ नेता कुलभूषण गोयल, सीबी गोयल, विजय बंसल, अन्य प्रदेश भर के अग्रवाल समाज से जुड़े भारी संख्या में लोग और महिला शक्ति भी मीटिंग में उपस्थित हुई। यहाँ पर आए हुए सभी समाज के गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं यहाँ पर अग्रवाल समाज से जुड़े लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं भी रखीं, जिनका समाधान निकालने के लिए हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि समाज के सभी लोग एकजुटता के साथ आगे आएं, जिसके बाद सारी समस्याएं हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी और उनकी शिकायतों और समस्याओं का निपटारा करवाने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के व्यापारियों को बिचौलिया कहना गलत है। उन्होंने कहा कि व्यापारी संगठन एकजुट हो जाएं तो हरियाणा सरकार को भी व्यापारियों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा, आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनमें किसान बहुत कम हैं, जबकि उनके पीछे दूसरी ताकतें काम कर रही हैं। वहीं नगर निगम पंचकुला के मेयर एवं भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलभूषण गोयल ने अपने भाषण में रविवार को कहा कि अग्रोहा इतने सालों के बाद भी पंचायत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मांग की थी इस तहसील या सब डिवीज़न का दर्जा दिया जाए ताकि अग्रोहा शहर की तरक्की हो सके। उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी दिया जाएगा ताकि अग्रोहा को सब डिवीज़न का दर्जा दिया जा सके। भाजपा वरिष्ठ नेता कुलभूषण गोयल ने अन्य शिकायतें और समस्याएं भी रखी, साथ ही हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। व्यापारियों को बिचौलिया कहना बिल्कुल गलत बात है। इसको मैं तो कहता हूं कि व्यापारी संगठनों को मजबूत होना पड़ेगा। जब तक व्यापारी एक नहीं होगा तब तक इस प्रकार की बातें जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो व्यापारी के हितैषी नहीं है या व्यापारी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, वो करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन व्यापारी संगठित हो जाएगा, संगठित होकर के काम करेगा, आज हर मंडी के अंदर दो दो तीन तीन धड़े बने हुए हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं सबसे। जब हम सोच लेंगे कि व्यापारी के नाते हमने सोचना है, तो मैं समझता हूं कि ये सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएगी। एकता में बल है। सरकार को भी चाहिए, वोट चाहिए। अगर आप एक हैं तब आपकी बात सरकार मानेगी। कोई ऐसी सरकार नहीं है जो जिसको नहीं चाहिए, और अगर आपकी बात में दम है तो सरकार को मानना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जो बात आपने कही है कि ये जो डायरेक्ट पेमेंट वाली बात है या किसानों का, कई बार दुख होता है कि किसान के साथ, किसान जो आज किसान किसान के रूप में जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, उनमें बहुत कम किसान है, लेकिन जो उनके पीछे ताकतें काम कर रही हैं, अगर आज हम उनको सपोर्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अपना नुकसान भी कर रहे हैं। सरकार से हमारी डिमांड रहती है, क्योंकि अग्रोहा इतने सालों के बाद भी अभी पंचायत है। हमने पीछे सीएम साहब के आगे भी यही डिमांड रखी थी, इसको तहसील या सब डिवीजन इमीडिएट बनाया जाए ताकि हम अग्रोहा की आगे तरक्की हो सके। क्योंकि जब तक कोई भी सब डिवीजन लेवल का अफसर वहां पर नहीं बैठेगा, अग्रोहा की तरक्की नहीं हो सकती। मैं पुण्य सारे हाउस से जे दोबारा एक प्रस्ताव सरकार के माध्यम पेश करना चाहते हैं कि अग्रोहा को सब डिवीजन का दर्जा जरूर मिले ताकि अग्रोहा आगे प्रॉस्पर्स हो। क्योंकि एक बार सब डिवीजन बन जाएगा तो काफी अच्छी प्रोग्रेस वहां पे अग्रोहा के अंदर आएगी। पंचायत की जगह अगर सब डिवीजन का दर्जा मिले, आदरणीय स्पीकर साहब से कहूंगा कि हम इकट्ठे होकर एक बार दोबारा से सीएम साहब को रिक्वेस्ट करके इसको सब डिवीजन बनाने के लिए प्रयास करें।